बागली के शिक्षा के मंदिर में एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। इस खुलासे के बाद एक बार फिर शिक्षा विभाग शर्मसार हुआ है। स्वर्गीय कैलाश जोशी शासकीय महाविद्यालय बागली के लेखापाल द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर लाखों रुपए का गबन कॉलेज में किया गया है, जिसका खुलासा बुधवार के दिन हुआ है। इस मामले में बागली पुलिस द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर लेखापाल विजय कुमार त्रिपाठी एवं सहयोगी रोहित दुबे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। बागली थाना प्रभारी बीडी वीरा ने बताया कि लेखापाल द्वारा फर्जी हाउसिंग बिल वाउचर के नाम पर जीपीएस से 2 करोड़ से अधिक का स्वयं एवं सहयोगी के खाते में डालकर गबन किया है। इस गबन की जानकारी मिलने पर उज्जैन संयुक्त संचालक के एक दल द्वारा कॉलेज में जांच की गई थी, जिसके प्रतिवेदन पर कार्यवाही की गई है। बुधवार के दिन थाना प्रभारी ने बताया कि 2,51,00,000 रुपए का गबन होना प्रथम दृष्टि में सामने आया है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। ये चूंकि जो बागली में जो शासकीय महाविद्यालय वित्तीय निमित्त का क्या पूरा मामला है और क्या अभी तक हुआ सुनता है? विगत दिनों से काफ़ी इस तरह के घोटालों की जानकारी शासकीय कर्मचारी द्वारा उनके कर्मचारियों का जीपीएफ वाउचर और टीएडीए की घटना पैसे के नाम से फर्जी बिल बनाकर लेके जी जा रहे हैं। जैसे उज्जैन और इंदौर की घटना हुई, उसके बाद भोपाल संचालक महोदय जो पूरे मध्य प्रदेश के लेखा कोष को देखते हैं पर्यावास भवन में जिनका ऑफिस है, उनके द्वारा इस तरह की वित्तीय घोटाले हुए, उनकी वहाँ सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान ये मामला कॉलेज बागली का पकड़ में आया कि इस तरह की संचालन घोटाला हुआ है, जिस पर यहाँ संयुक्त संचालक मैडम उज्जैन वाली को ये जांच दी गई। उनने आकर यहाँ बागली कॉलेज में जांच की गई, तो जांच के दौरान उनके द्वारा यहाँ काफ़ी अनियमितता पाई गई। करीब 2,51,00,000 रुपए का फर्जीवाड़ा पाया गया, जिसमें यहाँ के कर्मचारियों अधिकारियों प्राचार्यों के नाम से टीएडीए और वाउचर और हाउसिंग रेट के बिल बनाकर इन दोनों आरोपी विजय शंकर त्रिपाठी और रोहित दुबे ने अपने खातों में पैसे जमा कर निकाल कर खुद के आर्थिक लाभ प्राप्त किया है और इनको अभी हिरासत में लिया जाकर पूछताछ की जा रही है और इससे रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।